डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारत के पोर्ट, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश की समृद्धि के लिए आयात और निर्यात, यानी कि वस्तुओं को किसी दूसरे देश को बेचना और उस देश से हमारी आवश्यकता की जो भी वस्तुएँ उनको खरीदना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या, देश का जो विकास होता है ये इन के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बंदरगाह के नाम से है उसको आज हम लोग शुरू करते हैं। इनको इंग्लिश में पोर्ट भी कहा जाता है, जिनसे वस्तुओं को दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है और उन्हीं पोर्ट पे दूसरे देशों से वस्तुओं को क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से मनुष्य जो है इसका इस्तेमाल करते आया है। अब कालांतर में धीरे धीरे उनका अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हीं बंदरगाहों का क्या किया गया, अत्याधुनिकीकरण कर दिया गया है, जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर युक्त जहाज़ों को लाया जाता है और वहाँ पे सामान को फिर से लाद के और अन्य देशों को भेज दिया जाता है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं को यहाँ देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बंदरगाह देश के व्यापार, अभी हमने बोला तो बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होते हैं, है ना, नींव होते हैं। व्यापार, व्यापार में हमारा दोनों आता है, चाहे वो आयात हो या निर्यात, दोनों क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। यहीं से देश में आयात तथा निर्यात किया जाता है, इन्हीं बंदरगाहों से देश में आयात और निर्यात किया जाता है। भारत में अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में इस समय कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह, और इसी तरह से 200 छोटे बंदरगाह। 13 बड़े बंदरगाहों का सीधा यहाँ मतलब है कि ऐसे बड़े बंदरगाह होंगे जहाँ बड़े बड़े कंटेनर युक्त जहाज आके रुकते होंगे और वहाँ से अपने वस्तुओं का लेन देन करके फिर पुनः अपने यथास्थान चले जाते होंगे। 200 छोटे बंदरगाह जो हैं वहाँ पे छोटी जहाजें या स्टीमर या छोटे जो नाव हैं उनको वहाँ पे रोका जाता है और छोटे सामान अपेक्षाकृत वहाँ पे उनको भेजा जाता है या लाया जाता है। तो आज से, चूंकि बंदरगाह प्राचीन काल से इस्तेमाल होते चला आ रहा है, तो प्राचीन काल में सातवाहन या चोलों के समय समुद्री व्यापार चरम पर था। अगर हम भारत का इतिहास उठा के देखें तो उसमें प्राचीन काल से ही बंदरगाह से आयात और निर्यात होने का सबूत हमको मिलता है। और ये और कालांतर में जैसे बढ़ता गया तो दो शासक हमारे यहाँ दिखाया गया है। प्राचीन काल में सातवाहन शासक थे, इनका भी जो व्यापार था वो बहुत फलित फूलित था। और इसी तरह चोल, जो दक्षिण भारत में इनका शासन हुआ करता था, तो उनके यहाँ समुद्री व्यापार जो है काफ़ी उन्नत अवस्था में था। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देखते हैं तो आधुनिक युग, यानी कि आधुनिक काल में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना की गई और इसी के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई। जहाज रानी यानी कि वस्तुओं को अब कहाँ से, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी समय तक ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, गुलाम थे हम लोग, और यहाँ जो ब्रिटिश शासन था वो हमारे यहाँ के जो संसाधन थे जिसमें कोयला, खनिज तेल और जो भी हमारे यहाँ जो भी खनिज संपदा थी उनको अपने देश ले जाने की जो एक परंपरा थी वो बना रखे थे वो, और हमारे देश से ले जाने के लिए उनको सबसे सस्ता पड़ता था समुद्री व्यापार। ठीक है ना, समुद्री जो मार्ग होता है उसकी मदद, इसीलिए उन्होंने इसको डेवलप किया। आज कालांतर में जब भी आज की स्थिति में हम देखते हैं तो 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में, है ना, आगे हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे, और 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में। चूंकि हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, इसलिए वहां बंदरगाहों की जो संख्या हो ज्यादा है। भारत देश की कुल तटरेखा जो है कितनी है, तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। यह तटरेखा देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है और हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख जो देश हैं, गुजरात,
अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो हम अपने आप स्पष्ट इसको जान जाएंगे। आगे हम मानचित्र में भी उन बंदरगाहों या पोर्ट को दिखाएंगे और उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से पोर्ट किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अधिकांश तटीय राज्य हैं, इसीलिए जो बंदरगाह वो तटीय राज्यों में ही स्थित होते हैं, तो इन राज्यों में प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। ये 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट, अगर हम भारत का एक मानचित्र यहाँ बनाते हैं, अगर हम भारत के एक रफली मानचित्र यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो इधर का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्वी तट कहलाएगा, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, पूर्वी तट बोलेंगे। और यहाँ से गुजरात तक का जो एरिया आएगा ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट, है ना, पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, छह प्रमुख जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पर और 6 पूर्वी तट पर स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह अंडमान निकोबार समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर पर है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं और इनके बारे में और थोड़ा विस्तृत जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक चार्ट आपको बना के आपके सामने रखा हुआ है और इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम गुजरात राज्य से शुरू करते हैं और पहला जो गुजरात राज्य का प्रमुख बंदरगाह है कांडला, एक प्रमुख बंदरगाह और बहुत प्राचीन बंदरगाह है कांडला। यह पश्चिमी तट, गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना, प्राकृतिक यानी कि पहले से ही बना हुआ था, इसमें थोड़ा संशोधन कुछ किया गया लेकिन ये पहले से ही विद्यमान था। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी वहां पे है, खाड़ी जो समुद्र का एक कटा हिस्सा होता है जहां पे आके जहाज आसानी से लग सकते हैं, तो खाड़ी में स्थित है यह प्रमुख बंदरगाह। ये बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए बने हैं, जो बाहर से वस्तुएं मंगाई जाती हैं, चूंकि आप देखेंगे कि जो पश्चिमी तट है ना, ये एक अगर हम भारत का एक मानचित्र देखते हैं तो ये चूंकि पश्चिमी तट है और इधर ही देखेंगे कि जितने भी अधिकांश विकसित देश आपके मिलेंगे, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका वगैरह जो भी हैं, ये पश्चिमी तट है, इसलिए उन देशों से हमारा आयात काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए ये प्रमुख बंदरगाह का कैसा बंदरगाह है, यह आयात सामग्री जैसे पेट्रोलियम और उर्वरक को यहाँ मंगाया जाता है। ठीक है ना, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो प्रमुख बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये मुंबई, कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मुंबई जो है हमारे देश की क्या है, आर्थिक राजधानी है ना, तो वहां पे जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत के बृहत्तम बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे यह पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एक प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह में केवल एक ही अंतर है, इसको आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण किया जाता है या इसको डेवलप किया जाता है, जबकि ये पहले से विद्यमान है और इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका पुनर्नवीकरण किया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, तो बड़ा बंदरगाह का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पे जो कंटेनर युक्त जहाज होंगे उनके खड़े होने की और सारी सुविधाएं अच्छी होंगी और यहाँ जो है इसी बंदरगाह सर्वाधिक व्यापार तो इसी बंदरगाह से होता है, क्योंकि आप देखेंगे इसका पृष्ठ प्रदेश भी काफी सभ्यता से युक्त है और इसी वजह से यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, 3 नंबर पे हम न्यावा सेवा को रखते हैं जो पश्चिमी तट पर और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है,
क्योंकि मुंबई को अभी हमने देखा कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होते हैं, तो स्वाभाविक है इस बंदरगाह पे जो आयात और निर्यात या जहाजों के आने का जो क्रम होगा वो काफी ज्यादा होगा, है ना। तो यह व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है, इसलिए इसके भार को कम करने के लिए, ठीक है, इसके भार को कम करने के लिए एक अत्याधुनिक बंदरगाह न्यावा सेवा जिसका नाम रखा गया की स्थापना की गई, ताकि मुंबई जो पोर्ट है इसके भार को कुछ कम किया जा सके, ठीक है। चूंकि यह कृत्रिम बंदरगाह है तो निश्चित रूप से अत्याधुनिक बंदरगाह के रूप में इसको स्थापित किया गया होगा। देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसका एक और नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे इसका एक और नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा इसकी विशेषता है कि मुंबई बंदरगाह का यह एक सहायक बंदरगाह है, यानी कि इसकी सहायता यानी इसके भार को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि हमने अभी बताया कि इसका जो मुख्य बंदरगाह मुंबई वो अपने आप में ही काफी बड़ा बंदरगाह था, तो उसके भार को कम करने के लिए जब इसका निर्माण किया गया कृत्रिम बंदरगाह तो इसको क्या किया गया, इसको भी उसी तरह अत्याधुनिक बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है मरमू गांव। यह भी पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है और यह किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। इसके बारे में हम विशेषता को देखते हैं। यह किस नदी के किनारे स्थित है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है ना। तो यह उसके मुहाने पर स्थित है। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि लौह अयस्क निर्यात करने के लिए यह प्रमुख बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश में कर्नाटक स्थित है जो अपने आप में लौह अयस्क के लिए बहुत संपन्न राज्य है, इसलिए यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क निर्यात। ये किस राज्य के लिए है? ईरान राज्य, ठीक है, ईरान देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है न्यू मंगलोर। यह भी पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि यह कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क से संपन्न राज्य है ये, इसलिए यहाँ पे जो बंदरगाह है वहां से प्रमुख वस्तु के रूप में या प्रमुख जो धातु है उसके रूप में किसका निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क, ठीक है। आगे कोचीन बंदरगाह। कोचीन पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है जो केरल राज्य में स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है ना। यह प्राकृतिक और प्राचीन बंदरगाहों में से एक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में एक बार जानते हैं, जिसमें प्रमुख बंदरगाह क्या है? तूतीकोरिन, ठीक है। यह पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित, यानी कि जहां श्रीलंका और भारत दोनों के बीच जो स्थित एरिया है उसको हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं, उसी में यह स्थित है। यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं तथा सामग्री को छोटे जहाजों से लाया और ले जाया जाता है। क्योंकि छिछला बंदरगाह है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बड़े जहाज होंगे वो
इस बंदरगाह के नजदीक तक नहीं जा पाते, इसीलिए इस बंदरगाह पे आने से पहले उन जहाजों से माल को ले आया जाता है और फिर वहां ले जाके लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मत्स्य उद्योग है ना, मछली का उद्योग होता है वो अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। तो इसकी अपनी एक क्या विशेषता हो गई, मत्स्य पत्तन। जैसे अभी आपने देखा लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जा रहा है, यहाँ से भी हमने देखा कि लौह अयस्क निर्यात किया जा रहा है, इसी प्रकार इसकी अपनी क्या विशेषता हो, यहाँ से मत्स्य का जो है वो निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेन्नई भी पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह, देश का सबसे पुराना बंदरगाह। इसको अगर हम कहेंगे तो इसकी अपनी एक विशेषता है कि यह देश में बहुत प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह। ठीक है, हाँ, उससे भी प्राचीन, ये सबसे प्राचीन बंदरगाह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन्नोर, यह भी पूर्वी तट में और तमिलनाडु राज्य में, आपने देखा कि तमिलनाडु में कितने हो गए, एक दो तीन, ठीक है ना। तो यह भी पूर्वी तट पर स्थित और तमिलनाडु राज्य में एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह, अभी हमने एक और सहायक बंदरगाह के बारे में पढ़ा जो पश्चिमी तट पर स्थित था, उसका क्या नाम था, नेहवा सेवा, या उसको और किस नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो एन्नोर बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, चूंकि कृत्रिम है तो निश्चित रूप से यह सहायक बंदरगाह के रूप में इसका विकास किया गया है। ठीक है, देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड यो निगमित बंदरगाह, ठीक है ना, यानी कि यह पहला ऐसा बंदरगाह है जहां जो पूर्णतः क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, जहां पे कंप्यूटर या जो संचालन किया जाता है जो वो कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें विशाखापट्टनम, यह भी पूर्वी तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह। इसकी प्रमुख विशेषताओं में देश का सबसे गहरा बंदरगाह, कुछ न कुछ किस सारे बंदरगाह की अपनी विशेषता है, तो ये कैसा बंदरगाह है, ये सबसे गहरा, अगर सबसे गहरा बंदरगाह है इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जहाज आएंगे बड़े कंटेनर वाले जहाज आके इस बंदरगाह के किनारे खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि गहरा बंदरगाह है तो काफी बड़े जहाज यहाँ आके खड़े हो सकते हैं। दूसरा है, इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी होने के कारण तेज समुद्री हवा से यह सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस बंदरगाह के निकट क्या है, डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है, यानी कि यहाँ जो जहाज खड़े होते हैं वो पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो आगे बढ़े। हमारा जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है पारा, यह पूर्वी तट का और उड़ीसा राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसकी अपनी विशेषता है, झारखंड और उड़ीसा का लोहा यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। अभी हमने इसके पहले एक और बंदरगाह के बारे में पढ़ा जिसमें उस पोर्ट से किस देश को निर्यात किया जाता है, कौन सा बंदरगाह था, वो कहां से भेजा जाता है, मर्मुगाव है ना, तो वहां से ईरान को भेजा जाता है। उसी प्रकार यहां पारादीप से झारखंड और उड़ीसा से जो लोहा निकाला जाता है उसको जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं, और एक प्रमुख बंदरगाह जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता, और उसी का सहायक क्या है, हल्दिया, या पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह में से एक है और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह। इसकी अपनी क्या विशेषता है,
कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, एक और बंदरगाह के बारे में हमने पढ़ा, वो किसी नदी के तट पर स्थित था, वो कौन था? पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था मनु गांव। किस नदी के तट पर स्थित था? जुआरी नदी के तट पर। ठीक है ना, इसी प्रकार जो कोलकाता है वो हुगली नदी, हुगली समुद्र के तट पे स्थित ना होके उसे काफी दूर, और किस नदी के किनारे है? हुगली। ठीक है, हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। अब जिसको यहाँ पहुंचना होता है वो हल्दिया में रोके जाते हैं और यहाँ से सामान छोटे जहाजों के माध्यम से वहां पहुंचाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें? खिदिरपुर, यू डायमंड हार्बर, खिदिरपुर और डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय है। खिदिरपुर और डायमंड हार्बर पोताश्रय जहां पे आके जहाज खड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बंदरगाह है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है ना, 13 प्रमुख में जो 13वां हमारा प्रमुख बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप से। ठीक है ना, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को काफी समझ में आया होगा, और एक बार आप इसका रिविजन स्वयं से जरूर से करेंगे। ओके।